गर्मी का सीजन आ गया है, तो गर्मी के सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स, पानी वगैरह, जूस वगैरह, इस पर एक वीडियो बनानी है। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में रेट बताइए, उसका कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ से लेनी, कितने की लेनी है, कितना माल लेना, गर्मी के आइटम्स बताइए। तो आज की वीडियो को मैं लेके आया हूँ गर्मी के आइटम के ऊपर, के गर्मी में क्या क्या सेल कर सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, कि कौन सा पानी लेना है, कितने का कौन सा पानी पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक्स कितने रुपए की पड़ती है और आपको कितना मार्जिन होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किरण बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैसेज आप लोगों का आया कि कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर वीडियो बनाए, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर आज की वीडियो बना दी है। बहुत मैसेज आ रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर भैया वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी है। मार्जिन बताऊंगा मैं इसको कितने रुपए का पड़ता है और कितने रुपए का हमें सेल करना है, कैसे कैसे रखना है, कौन से फ्रिज में रखनी है, सारी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। स्टार्टिंग में लेकर चलता हूँ मैं सीधा अपने रैक के पास, जो आपको दिखाता हूँ मैं मेरे पास कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स हैं फिलहाल, और जो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई है वो मेरे गोदाम में पड़ी है। पहले मैं यहाँ के दिखाता हूँ, जो खत्म हो चुके वो गोदाम से दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको, ये है रियल जूस, मिक्स जूस आता है, इसमें अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं रियल जूस मिक्स जूस के बारे में बता दूँ। ये पड़ता है आपको 80 रुपीज़ का, 110 रुपीज़ पे MRP है, 100 रुपये का बिक जाता है इजीली, 105 का, 100 का, 110 का, जितने मर्जी चाहिए उतने का बेच सकते हैं। ये छोटी कोक है, 17 रुपये की पड़ती है, 20 रुपये की सेल आउट होती है, 17 रुपये से 10-20 पैसे कम पड़ते हैं। आनंदा का दूध है, ये गर्मी के सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, आनंदा का दूध है, इस पर MRP दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 30 रुपये है, और ये पड़ता है 17 रुपये का। इसी तरह से स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, ये भी 17 रुपये की पड़ती है, 10-20 पैसे कम है, ये बिकती है 20 रुपये की। अच्छा अब बात कर लेता हूँ ऊपर, ये है एप्पी फिज, 12 रुपये की सेल होती है, ये 10 रुपये की पड़ती है। स्प्राइट है, 32 रुपये की पड़ती है, 40 रुपये की सेल होती है, ये 750 ml में स्प्राइट है। मिक्स जूस की मैंने बता दिया, अभी ये फ्रूटी है, 35 MRP है इस पर, और ये पड़ती है आप लोगों को 29 के करीब पड़ती है। ये है बिस्लेरी सोडा, 20 रुपये का सेल होता है, और ये पड़ता है आप लोगों को 12.5 रुपये का, मार्जिन लगा लो कितना तगड़े वाला है इस पर। इसी तरह से ड्यू है, 32 रुपये की आती है, 40 की सेल होती है, 750 ml में। ये कोक है 1 लीटर में, 1 लीटर की कोक हमें पड़ती है ये 43 की, 50 रुपीज़ की सेल होती है। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा आपको पानी की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए बिस्लेरी का है 1 लीटर में पानी, ये आपको पड़ता है 125 रुपये की पेटी पड़ती है। अब उसमें लगा लीजिए मेरे ख्याल से 11 रुपये की एक बोतल पड़ती होगी, 11-11.5 कुछ ऐसी है, तो ये 20 रुपये की बिकती है। इसी तरह माउंटेन ड्यू है, 1.25 लीटर में है, ये 50 रुपये की पड़ती है, 60 रुपीज़ की सेल होती है। अब आ जाता हूँ, एक ये लोकल पानी है, वैसे बिस्लेरी के नाम से लोकल पानी अलग अलग वेराइटियाँ हो जाती है, ये बोतल पड़ती है हमको 6.5-6.25 रुपये की, 20 रुपये की सेल होती है, 6.5 रुपये मार्जिन, देखो कितना तगड़ा मिलेगा इस पर। इसी तरह से 2 लीटर का पानी आपको दिखाई दे रहा है बिस्लेरी का, ये पड़ता है आपको 20 रुपये के लगभग पड़ता है, और ये 30 रुपये का सेल होता है। अब बात कर लेता हूँ 2 लीटर की फ्रूटी की, 2 लीटर की फ्रूटी हमें पड़ती है 80 रुपये की, और 100 रुपये इस पर MRP 100 की ही बिकती है। इसी तरह मरिंडा है, 70 की पड़ती है, 90 की बिकती है, लिमका है 70 की पड़ती है, 90 की बिकती है। तो ये मेरे जो वो आइटम दिखाए मैंने जो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, जो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, आज मैंने माल मंगाया, तो आपको लेके चलता हूँ सीधा गोदाम में, और वहाँ से पर्ची दिखाता हूँ आप लोगों को, साइड में ये पर्ची, ये बिल दिखाई दे रहा है ना, इसी बिल, ये बिल नोट देख लीजिएगा आप, ये जो इस पर MRP है यही मुझे, मतलब इतने का मुझे पड़ा हुआ है। हर चीज़ के सामने जो ये रेट लिखा हुआ है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कौन सी चीज़ कितने रुपये की पड़ी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं गोदाम में। तो गाइज मैं लेके आ गया अपने गोदाम में, यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ है, तो आवाज़ को थोड़ा सा मैनेज करना होगा आप लोगों को, और क्लियरिटी शायद इतनी ना होगी क्योंकि ये कमरा बंद होता है। तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को, जो ये मेरा सामान आज आया है, मैंने जो मंगाया है, ये आपको सामने बिल दिखाई दे रहा है, शायद क्लियर ना दिखाई, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। ये ऊपर सबसे ऊपर 2 लीटर कोक 600 रुपये, ये आप लोगों को कोक दिखाई दे रही है, 2 लीटर की है 600 रुपये की। अब आप कहोगे इतनी सस्ती कैसी, इसमें 9 कोक हैं, 66 रुपये 66 पैसे की एक पड़गी। ये जो इधर में लिख रखी है पूरी डिटेल, ये मैंने खुद लिखी है कि 20 रुपये कितने की पड़ी, ये वहाँ से बिल बना के भेजा हुआ है। तो ये 9 पीस है, 66 रुपये 66 पैसे का एक पीस पड़ गया मुझे 2 लीटर का, इतना सस्ता मुझे इसलिए पड़ गया, इस पर स्कीम आई हुई थी, पता नहीं कैसे क्या उन्होंने मिटा रखा क्या है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इतने का ये 70 की पड़ती है, वैसे मुझे फ़िलहाल कम पड़ गई। अब 2 लीटर की ड्यू है ये 620 रुपये की, 9 पीस है, 68 रुपये 88 पैसे की, ये है 2 लीटर की ड्यू, 68 रुपये 88 पैसे की एक बोतल पड़ गई मुझे। और मैं इन दोनों की MRP की बात कर लूँ तो दोनों पे 90 रुपये, 90 रुपये की दोनों ही ये सेल होती है। अब बात कर लेता हूँ तीसरे नंबर पे है 1 लीटर कोक 630, इधर आ जाते हैं, ये है 1 लीटर में कोक 630 रुपये की, इसमें 15 पीस और ये पड़ी कितने की है 42 रुपये की एक पड़ती है। इसी तरह से ये 15 पीस है, इसमें भी 630 रुपये की आई है, मतलब 42 रुपये का एक 42 रुपये की एक पड़ती है और 50 रुपये की, दोनों ही सेल होती है एक पीस।
एक लीटर फ्रूटी 590 रुपये, ये है इसमें एक लीटर की फ्रूटी 590 रुपये में है, और इसमें पीस है 12, तो ये 49 रुपये 16 पैसे की एक पड़ गई, 60 रुपीज़ इस पर हमारे पी 60 रुपये की एक सेल होगी। अब बात कर लेता हूँ एक लीटर ड्यू 570 रुपये, ड्यू कहाँ है, ये है, इसमें स्प्राइट भी है ड्यू भी है, तो ये 500 एक लीटर की ड्यू है, और नहीं 1.25 लीटर में है ये ड्यू, 1 लीटर में नहीं है सॉरी, और ये पड़ी है इसमें 12 पीस है 570 रुपये के, 47.5 रुपये का, 47.50 रुपये का एक पड़ा मुझे ये, ठीक है। इसी तरह से ड्यू गई, अब आ गई 750 ml में कोक, ये रखी नीचे, आप लोगों को शायद क्लियरिटी ना दिखाई दे, 750 ml में कोक है, ये है 780 रुपये की, यानी कि 24 पीस, 32.5 रुपये की एक पड़ी है ये, और बिकती कितने की है 40 रुपये की। इसी तरह से 750 ml में लिमका है, ये रखी इधर, ये है 780 रुपये की 24 पीस, 32.5 रुपये इतने की, 40 की ये बिकती है। अब है ये 20 रुपये में दो माजा, 820 रुपये, अच्छा 20 रुपये की ये दो पेटी है माजा की, एक ये है और एक ये है, तो 410 की एक पड़गी टोटल, मतलब दोनों में हो गए 48 पीस, तो कितने का पड़ गया 17 रुपये 8 पैसे की एक पड़गी, 20 रुपये की सेल होगी। 5 एग, अच्छा 5 ट्रे एग की आई है 590 रुपये की, 118 रुपये की एक ट्रे एग की पड़गी, जो कि आपको 6 रुपये का एक बिकता है, तो 180 रुपये की एक ट्रे बिकती है, इसमें तो बहुत मार्जिन है खैर। अब बात कर लेता हूँ 8 पीस रेड बुल, ये 8 पीस है ये रेड बुल के, वो कहाँ गई ये, 700 रुपये के, 87 रुपये 5 पैसे की एक पड़ गई है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये 87 रुपये और 50 पैसे की एक पड़ जाती है, और ये सेल कितने की होती है MRP दिखाऊँ इस पर आप लोगों को, शायद इस पर MRP है नहीं, ये मेरे ख्याल से पूरे इस, अच्छा ये बॉक्स की है 440 रुपये, ये दिखाई दिया 440 रुपये में 4 है, यानी कि 110 रुपये की एक पड़ एक बिकेगी, ये पड़ती कितने की है 87 रुपये 50 पैसे की, ठीक है। और इसी तरह से एक है ये, अच्छा मिक्स रियल का जूस है ये रखा, मिक्स रियल का जूस है ये, दिखाऊँ आप लोगों को, इसको थोड़ा सा खोलने में एक पीस निकाल लेते हैं इसका, ये है मिक्स रियल जूस, ये है मिक्स रियल जूस छोटा टेट्रा पैक। अब ये कितने का पड़ा है हमें 420 रुपये का, 14 रुपये का एक पड़ गया, 420 रुपये के पूरा डिब्बा है, इसमें 30 पैकेट होते हैं, 14 रुपये का एक पड़ गया, 20 रुपये इसकी सेल MRP देखिए इस पर 20 रुपये है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, ये 20 का बिकेगा 14 रुपये का पड़ता है। अच्छा जो ये दिखाई थी मैंने पहले, ये नहीं ये है ना 10 रुपये में फ्रूटी है 330 रुपये की, 40 पीस होते हैं, इसमें 8 रुपये 25 पैसे की एक फ्रूटी टेट्रा पैक होता है, इतना जो फ्रूटी आती है गत्ते के डिब्बे में वो पड़ती है 8 रुपये 25 पैसे की। और जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये है फिज, ये फिज पड़ेगी 300 रुपये की पूरा, ये जो बोतल मैंने दिखाई थी ये 300 रुपये की पड़ेगी, और ये पड़ती है 40 पीस इसमें 7.5 रुपये की एक पड़ती है ये। इसी तरह से एक कैच का जीरा है, कैच का लाहौरी जीरा बोलते हैं, ये रखा, ये लाहौरी नहीं है ये कैच का जीरा है, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये कितने का पड़ा हुआ है 210 रुपये का, 24 पीस होते हैं, 8 रुपये 75 पैसे, इसमें थोड़ा सा कम मार्जिन है, लेकिन मार्जिन सब में कुल मिला के 22-23% से ज़्यादा मार्जिन होता है। अब चलते हैं पीछे मेन दुकान में, आपको बताता हूँ डिटेल में। तो गाइज वहाँ रूम में एक शायद मेरी आवाज़ की भी प्रॉब्लम होगी और लाइट की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंदर है कमरा, लाइट एक ही है, जो वीडियो बनाने के लिए बनाया रूम बनाया नहीं हो सामान रखने के लिए, चलो छोड़ो उसको, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब दिखा देता हूँ आप लोगों को ये जो इस साइड में दिखाई दे रहा है ना, ये बिल वहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स वाले ने मेरे को बना के भेजा, और ये जो लाइन खींच रखी है ये मैंने बनाई है इससे उधर का, मैंने आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई 2 लीटर की कोक में 9 पीस है, इसमें इतने पीस है, वो पीस के हिसाब से, और मैंने बता दिया, फिर ये लास्ट में लिख दिया 1 पीस इतने रुपये का पड़ता है, समझ गए। तो अब बात कर लेते हो इसमें मार्जिन की, भैया मार्जिन आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई 40 वाली 32.5 रुपये में पड़ती है, 22-23 से भी ऊपर मार्जिन हो गया आप लोगों को, 32 × 64 यानी कि 6 रुपये 40 पैसे, 32 रुपये की जो कोल्ड ड्रिंक है 32.5 रुपये की, 6.5 रुपये उस पर अगर 20% भी मार्जिन बढ़ता है 6.5 रुपये होता है, 32×6 38 उससे भी डबल, मतलब 23-24% के करीब आप लोगों को मार्जिन पड़ गया उसमें, हर कोल्ड ड्रिंक में इतना मार्जिन होगा आपको। तो समझ गए कन्फेक्शनरी की दुकान में और कोल्ड ड्रिंक्स में जो गर्मियों का ये आइटम है कितना तगड़े वाला मार्जिन होने वाला है। तो समझ गए सारा रेट मैंने आपको, गोदाम का भी बता दिया, जो मेरी दुकान पे रखा वो भी बता दिया, दोनों का रेट आप लोगों को बता दिया, मार्जिन आप लोगों को बता दिया, 20+ से ज़्यादा मार्जिन है कन्फेक्शनरी के काम में। और अब तो गर्मी आ चुकी है, बहुत दबा के मार्जिन होने वाला, सबसे ज़्यादा दुकान चलती ही नहीं दिनों में गर्मी में, 90% दुकान आपकी सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ मुनाफा इसी आइटम में होता है, 90% किराना प्लस कन्फेक्शनरी की दुकान है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा था जो मैंने वैरायटी आपको दिखाई है।
अब जो गोदाम का माल है मैं अपनी दुकान में शिफ्ट करूंगा। जैसा मैंने गोदाम दुकान का माल दिखा दिया, इसी तरह से गोदाम का दिखा दिया, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कितना माल कैसे कैसे मुझे पड़ा हुआ है। पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया, बिल के समेत बता दिया। कोई लोग भाई मेरे ये भी बोल देते, कई बार मैसेज आया, मैंने पहले वीडियो बनाई है कि इतना सस्ता तो हमें पड़ता नहीं, भाई मैंने प्रूफ के साथ बनाई है। अब ये वीडियो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतनी सस्ती पड़ती है, जिससे आप लेते हो वो आपको लूट रहा है, आप उससे थोड़ा सा बार्गेनिंग करो तो आपको भी इतने की ही मिलती है। इसका रेट हर जगह पे एक ही है, महंगा रेट नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।